हेलो फ्रेंड्स, व्हाइट बोर्ड इनोवेशन में आप सबका स्वागत है। आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम सीक्वेंशियल सर्किट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, सो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, व्हाइट बोर्ड इनोवेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिनमें एक स्पेशल मेमोरी एलिमेंट लगा होता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सर्किट की तरह ही होते हैं, बस इसमें होता क्या है कि इसमें एक मेमोरी एलिमेंट साथ में लग जाता है, ठीक है। सो सीक्वेंशियल सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विद अ मेमोरी एलिमेंट। इट इज अ सिस्टम वेयर आउटपुट डिपेंड्स अपॉन करंट इनपुट एंड ऑल्सो ऑन पास्ट आउटपुट विच इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी एलिमेंट। तो इसमें जो आउटपुट हमारी डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, जो हमारी करंट इनपुट है, ठीक है। एक तो करंट इनपुट पे जो हम इनपुट अभी दे रहे हैं उस पर इसकी आउटपुट डिपेंड करेगी, प्लस जो प्रीवियस आउटपुट थी उस पर भी इसकी जो करंट आउटपुट है वो डिपेंड करेगी। तो इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं हम। दिस इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन सर्किट बना हुआ है एक तरह का। यहाँ पे ब्लॉक है किसी कॉम्बिनेशन सर्किट का, चाहे वो एडर है, चाहे सबट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट हमारा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि हम बेसिकली इनपुट देते हैं वहाँ पे और हमारे पास आउटपुट आ जाती है, ठीक है। बट जो सीक्वेंशियल सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट क्या कहता है कि उसमें एक मेमोरी एलिमेंट लगा होता है साथ में। वो होता तो कॉम्बिनेशन सर्किट ही है, बट उसमें होगा क्या, एक मेमोरी एलिमेंट साथ में लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेमोरी एलिमेंट का एक ब्लॉक बना रहा हूँ, मेमोरी एलिमेंट। तो होगा क्या, ये मेमोरी एलिमेंट क्या करेगा, जो आउटपुट आती है इसको ये स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो जो प्रीवियस आउटपुट है उसको जब हम नेक्स्ट इनपुट देंगे, जो करंट इनपुट देनी है उसके साथ जो प्रीवियस आउटपुट थी वो एज अ फीडबैक यहाँ पे चली जाती है। तो ये अगर सारे कॉम्बिनेशन को इसको देखें तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट इज अ सर्किट whose current output depends upon the current input as well as the previous output which is stored in the memory element. Clear? ये तो होगी उसकी definition. तो ये देखते हैं कि जो memory element है, memory element क्या चीज है और ये कैसे काम करता है। So here we have one bit memory cell. One bit memory cell को हम latch भी बोलते हैं, latch. बताऊंगा, ठीक है। First of all, ये one bit memory cell होते क्या है, कैसे बनते हैं ये? बेसिक सीक्वेंशियल सर्किट ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस कपलिंग ऑफ टू नैंड नॉर और नॉट गेट्स इज कॉल्ड द वन बिट मेमोरी सेल, ठीक है। जो वन बिट मेमोरी सेल है ये सिंपल सा सर्किट है, ये हम नैंड गेट, नॉर गेट या फिर नॉट गेट को यूज करके बना सकते हैं। क्या करना है उनको, वी हैव टू जस्ट क्रॉस कपल्ड, उनको हम क्रॉस कपलिंग करके ये वन बिट मेमोरी सेल बना सकते हैं। वन बिट मेमोरी सेल और वी कैन से लैच हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर वन बिट until necessary. तो वन बिट मेमोरी सेल करेगा क्या, एक बिट को स्टोर करके रखेगा, चाहे वो दो ही बिट्स होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे वो वन होती है चाहे वो जीरो होती है। तो जो वन बिट मेमोरी सेल है, या तो वो वन को स्टोर करके रखेगा अपने अंदर या फिर अपने अंदर जीरो को स्टोर करके रखेगा जब तक हमें रिक्वायर्ड है। क्लियर? तो यहाँ पे हम वन बिट मेमोरी सेल को बना के देखते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे काम करता है ये। तो पहले जो वन बिट मेमोरी सेल है, मैं आपको नॉट गेट से बना के दिखाता हूँ। सिंपल करना क्या है, आपको दो नॉट गेट लेने हैं, इनको आप जस्ट क्रॉस कपल करेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं एस आर क्यू और क्यू आर, ठीक है। एस का मतलब सेट होता है, आर का मतलब रीसेट होता है। जैसे जैसे हम आगे करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा ये, ठीक है। इसको हम और भी वेरिएबल ले सकते हैं, अब फॉर द टाइमिंग इसको एक्स वाई भी ले सकते हैं हम अभी, ठीक है। और इसको आउटपुट को, जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसको आउटपुट हम जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू बार है, ये हमेशा ऑपोजिट ही होंगे। क्यों होंगे आपको वर्किंग में ये मैं बताता हूँ अभी। तो एक दूसरा है जो मैंने कहा था, ये तो नॉर गेट के साथ हो गया। नॉर गेट के साथ कैसे बनेगा ये, सिंपल एंड नॉर गेट के साथ भी दो आपको नॉर गेट लेने हैं जो नॉट में आप कन्वर्ट कर दोगे,
तो ये NOR के साथ हो गया, ठीक है। और जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसकी दे रहा हूँ वो NAND गेट के साथ बना के दे रहा हूँ, वर्किंग सबकी सेम रहेगी, ठीक है। तो जो इसकी वर्किंग है, एक्सप्लेनेशन है, वो आपको NAND गेट के साथ बताता हूँ। तो ये हमारा पहला NAND गेट हो गया, ये दूसरा NAND गेट हो गया, इसको क्रॉस कपल करना है हमें, इसको क्रॉस कपलिंग बोलते हैं। लेट अस से दिस इज गेट वन एंड लेट अस से दिस इज गेट टू, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है? जीरो है। प्रीवियस वैल्यू क्यू की क्या है? जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जीरो है, क्यों की वैल्यू जीरो थी, तो इस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, ठीक है। और ये जीरो यहाँ से यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया। और NAND गेट जीरो जीरो पे NAND गेट की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। तो क्यू बार कितना हो गया? जैसे इम्प्लाइज क्यू बार कितना हो गया? वन हो गया, ठीक है। और अगर क्यू बार वन हो गया तो ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आके दोनों पे वन वन आ जाएगा। और वन वन पे जो NAND गेट की आउटपुट वो क्या होती है? जीरो होती है। दिस इंप्लाइज कि क्यू की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। इसका मतलब जो हमने वैल्यू ली थी स्टार्टिंग में वही वैल्यू हमारे पास वापस आ रही है, तो वैल्यू लॉस नहीं हो रही। जो बिट हमने जीरो लिया था आउटपुट में वही जीरो बिट हमारे पास वापस आ रहा है। इट मीन्स कि जो जीरो वैल्यू है वो हमारे पास स्टोर्ड है, वो कहीं नहीं जा रही, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, अगर ये जीरो है ये वन आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसको वन लेके देखेंगे तो ये जीरो आएगा। इसका मतलब हमेशा जो क्यू बार है वो इसके अगेंस्ट आ रहा है, जो ये वाली वैल्यू है इसके बिल्कुल अगेंस्ट आ रही है, इसलिए हम इसको हमेशा बार से डिनोट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल हमेशा ये इसके अगेंस्ट आएगी वैल्यू, ऑपोजिट आएगी वैल्यू, क्लियर। तो अगर हम क्यू को वन अज्यूम करें कि हमारी जो प्रीवियस आउटपुट है वो वन है, ठीक है, तो ये वन यहाँ पे चला गया और ये दोनों वन वन हो गए। वन वन पे NAND गेट क्या होता है? जीरो होता है। तो क्यू बार क्या आ गया? जीरो। और ये जीरो जहाँ पे चला गया यहाँ पे आ गया। जीरो जीरो पे NAND गेट क्या होता है? वन। तो क्यू क्या आ गया? वन। तो हमने क्यू जीरो क्यू इक्वल टू वन से स्टार्ट किया था हमने, और वही हमें वापस मिल रहा है। तो इसका मतलब जो ये वन बिट है वो इसमें क्या है? वो फंस के रहेगी, वो फंसी हुई है यहाँ पे वैल्यू, वो यहाँ से निकल नहीं रही है, ठीक है। तो यानी कि जो वैल्यू है जो जीरो और वन है, कोई भी एक बिट है, वो इसमें क्या रहेगी? वो इसमें स्टोर रहेगी। और वैल्यू यहाँ पे लॉक हो गई है, इसलिए हम इसको लैच भी करते हैं। तो अगर आपको लैच की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप बोल सकते हैं कि जब वन बिट मेमोरी सेल में कोई वैल्यू लॉक हो जाती है, कोई वैल्यू स्टोर हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? लैच कट। क्लियर। सो आफ्टर डिस्कसिंग वन बिट मेमोरी सेल वी नाउ कम टू द फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स क्यों रिक्वायर्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो वन बिट मेमोरी सेल है उसमें तो एक वैल्यू स्टोर होती रह जाती है, ठीक है, चाहे वो वन हो चाहे वो जीरो हो। बट कई बार क्या होता है कि हमें कुछ कंट्रोल पे लगाने पड़ते हैं ताकि हम उस वैल्यू को यूटिलाइज कर सके, उस वैल्यू को चेंज कर सके, तो हमें फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, उसमें लैच तो लगेगा लगेगा, उसमें वन बिट मेमोरी सेल तो डेफिनेटली होगा, साथ में कुछ एडिशनल सर्किट हमारा साथ में लग जाएगा उसके, ठीक है। तो सो फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट मेमोरी सेल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लैच लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा, जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये बाइस्टेबल डिवाइस है। बाइस्टेबल डिवाइस का मतलब क्या होता है कि या तो उसकी वैल्यू वन होगी या उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो दो स्टेट्स हैं, आइदर वन और जीरो। या तो फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो वन में रहेगी या उसकी आउटपुट जीरो होगी, ठीक है। तो दो वैल्यूज दो बिट्स हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? वो बाइस्टेबल डिवाइस है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो जो फ्लिप फ्लॉप्स हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी एंड टी। आउटपुट हमेशा दो ही रहेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे ब्लॉक बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कोई भी फ्लिप फ्लॉप होगा और इसके दो आउटपुट्स होंगे, एक तो क्यू एन, एक क्यू एन बार, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट पिन्स होंगे जिनको हम कंट्रोल पिन्स भी बोलेंगे, ठीक है। हाँ, इसको मैंने एन क्यों लिखा है यहाँ पे, ये और एन, ये तो आपको पता ही कि इसको क्यू लिखेंगे, इसको क्यू बार लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा इसके ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्यों लिखा है वो मैं आपको
अब जब हम करेंगे एक्चुअल में वर्किंग करेंगे उसकी, तब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है कि जो इसका ऑपरेशन मोड है, ये दो ऑपरेशन मोड में काम करता है, फर्स्ट वन इज लैच एंड सेकंड वन इज ट्रांसपेरेंट। तो लैच मोड क्या होता है? जब हमारे कंट्रोल इनपुट्स का हमें कोई असर नहीं चाहिए, ठीक है, लाइक हमारे पास ये लैच लगा हुआ है, ठीक है, ये लैच है, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल पिन्स है, इसके बाद जो आउटपुट है, ठीक है, तो अगर तो हमें सिर्फ लैच का ही काम लेना है, हमें इनका असर नहीं दिखाना, तो हम उसको लैच मोड में चलाएंगे। बट अगर हमें इनका इफेक्ट चाहिए आउटपुट में, तो ये क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट मोड हो जाएगा। तो दो मोड्स में काम करता है, एक लैच मोड, एक ट्रांसपेरेंट मोड। अगर तो हमें जो इनपुट पिंस हैं उन पे कोई भी आउटपुट नहीं चाहिए, उनका कोई इफेक्ट नहीं चाहिए, तो उसको लैच मोड बोलेंगे, ठीक है। अगर उनका इफेक्ट चाहिए तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेट इज अ ट्रांसपेरेंट मोड, आर पार है वो कंट्रोल पिंस, जो भी वैल्यूज देंगे उसके हिसाब से ही आउटपुट आएगी, डेट इज अ ट्रांसपेरेंट मोड। और द लास्ट स्टेप है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जो फ्लिप फ्लॉप्स हमारे बनेंगे वो हम नैंड गेट कर यूज करके बना सकते हैं, हम नॉर गेट यूज करके भी बना सकते हैं। क्लियर? सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वन बिट मेमोरी सेल, सिक्वेंशियल सर्किट्स एंड द फ्लिप फ्लॉप्स। जो आगे के हमारे वीडियोज हैं तो उसमें हम एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, डी और टी, ये सभी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक्साइटेशन टेबल भी देखेंगे, बहुत कुछ है सिक्वेंशियल सर्किट में। सो बने रहिए इस चैनल के साथ, ये वीडियोज आगे की जो है वो पूरी देखिए, ताकि आपको सिक्वेंशियल सर्किट का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हर वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।